गुरुजी आज सुबह ही देखा कि शिवालय में शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी को विम बार और स्क्रब बार से घिस घिस कर स्क्रबर से घिस करके घिस घिस के साफ कर रहे थे। हाँ तो अब ये क्या होता है, जिस भी चीज के साथ आपकी अतिशयता होती है, टोटलिटी में आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है जिस भी गहरी चीज के साथ, उससे आपका मोह भंग हो जाता है, उसके उपचार। जैसे कोई आदमी अस्पताल में काम करता है तो संवेदना विहीन हो जाता है, उसे किसी को रोता हुआ देख के वो रोएगा नहीं। मोरचक्की में काम करने वाले आदमी को डेड बॉडियां ऐसी प्रतीत होती है जैसे घर में लड्डुओं का ढेर रखा हो, पड़े हैं 50 मुर्दे पड़े हैं, वहीं बैठा सिगरेट पी रहा, वही चाय पी रहा, खाना भी खा रहा है, कुछ मातबरी नहीं कि मुर्दे की कमर पे रखा हो टिफिन, मतलब मोर्चरी में। उधर वो वर्मा जी लेटे हुए हैं जो 3 दिन पहले ऊपर पहुंच चुके हैं, उनकी कमर पे टेबल बना के आदमी नाश्ता कर रहा है बैठा हुआ। मैं ये दृश्य देखे बिना नहीं बोलता हूँ, मैं सब नज़ारे देखे हैं मैंने मोर्चरी में, पोस्टमार्टम हाउस में। और वहाँ जो सिल्लियाँ, बर्फ़ की सिल्लियाँ होती हैं, वो बर्फ़ की सिल्लियाँ आदमी तो खरीदता है, और बर्फ़ की सिल्लियाँ बाद में बाजारों में बिकती हैं। अब उसकी सत्यता बता दूँ तो कल से अभी जूस वूस पीना बंद कर दो, जो गन्ने के जूस में अब लगे पड़े हो, और ये जो ये कमल का काला गट्टा ले लेके आप सेल्फी करते हैं ना एक तरफ खड़े हो, वो सारा भूल जाओगे उसको कराना, क्योंकि वो सारे के सारी सिल्लियाँ, एक सिल्ली है 300 रुपये की जो 350 रुपये की जो नहीं है, और वहाँ मिल रही 40 रुपये की मोर्चरी में, वो क्या करेंगे उसका, मुर्दे को तो पैक कर और वापस भेज दिया। ये बहुत बड़े कटु सत्य हैं। आप जाइए, अपने परीक्षण करिए, अपने शहरों में जाकर देखिए, फिर मेरी बात आपको समझ में आनी शुरू होंगी कि मैं कितना सच और कैसा बोल रहा हूँ। वो फिर वहाँ, और इनमें से ज़्यादातर कौन है जिनको ना आपके धर्म से लेना देना, ना उनके यहाँ मोर्चरी में मुर्दों को भेजते, ना उनके यहाँ बहुत सारी चीज़ों का संबंध है, वही गन्ने का जूस लगाए कि दुकान खोले बैठे हैं, और वो जैसा मर्जी हो ठंडा गर्म, खुद पीते भी नहीं, खुद वो अपना कुछ और ही पी रहे बैठे, तो ये ठीक होगा। अब वो बात पता नहीं क्या थी, कहाँ पहुँच गई, क्या था सवाल, क्या था आज सुबह हमने, हाँ वो विम रगड़ रहे, तो अब विम भी चढ़ा दिया आपने भगवान जी पर। अब उसमें जो तेजाब है, उसमें जो कास्टिक है, उसमें जो सोडा है, उसमें जितने पदार्थ हैं, वो अब वो पुजारी उजारी ये पूरे जीवन बिचारे इसलिए तो परेशान है। अब उसमें तो ये अब क्या करें, क्या लोगों ने इतना चिकटापन मचाया हुआ है, सारा वहीं का वहीं गड़बड़ झाला करते रहते हैं। अब आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आप 10 लाख फूल ना चढ़ा सकें तो 10 ml रूह से भी इसका काम किया जा सकता है। अगर 10 ml रूह चढ़ेगी तो झाड़ू पोछे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी आपको, एक कितना सा बिंदु आप उसका लगाएंगे रूह का, और पता चला 1000 फूल चढ़ गए, तो अब 1000 फूल चढ़ेंगे तो फिर फूलों के लिए झाड़ू की भी जरूरत पड़ेगी, बाल्टी की भी जरूरत पड़ेगी, धोने की भी जरूरत पड़ेगी, ये विशुद्ध पारे। लेकिन सब लोग नहीं कर सकते हैं, जितने कर पाएँ या समझ पाएँ उतनी बात है, लेकिन ये बहुत उचित नहीं है। ये देखिए इतना तक आता है कि अगर इस तरह के कुछ पदार्थ जो कषाय और ठीक पदार्थ ना हो, उनका प्रयोग अगर किसी विग्रह पर कर लिया जाए तो पुण्य प्रतिष्ठा की विधान है, पुण्य प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने बहुत पहले कुछ अंकों में बोला था, इतने इतने मंदिरों की जरूरत नहीं है, लेकिन शहर में 2 मंदिर हों, एक हरि का और एक हर का, और देखने दिखाने लायक हों, दरवाजे की चौखटें सोने की, अंदर की मूर्तियों के आंखें हीरों की लगी हों, कर सकते हैं हम। लेकिन हम अपने स्वार्थों से ऊपर नहीं उठ पाते तो कहाँ से कर पाएंगे, हम अपने छोटी छोटी चीज़ों में लगे पड़े हैं। उसका विधान मैंने बताया था कि कैसे संभव है, तो उससे बहुत अच्छा काम हो सकता है वो, और वो उसमें आपका एक ग्लैमर पैदा होगा, और वह ठीक से पूजाएं हों। साउथ में अगर आप जाएंगे, साउथ दक्षिण भारत में जाएंगे, तो वो इसीलिए किसी को टच नहीं करने देते हैं भगवान श्री को, वहाँ जो शिवलिंग लगे आप वहाँ जाएंगे नहीं, आपको जो भी ले गए लेके रख लेंगे आपसे वो, और वो वहीं से सब कुछ करेंगे, और आप हाथ उठा उठा करके अपनी तरफ से उसको करते रहते हैं। वो इसीलिए उन्होंने शुरू किया कि कोई भी जा रहा है वो कान भी खुजा रहा है, और वो फिर मतलब बहुत कुछ रहता है, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। बड़ी शुचिता पवित्रता की आवश्यकता होती है महान और विराट ऊर्जाओं को के साथ संबंध बनाने में, उनको एक साथ जोड़ने में। एक एक विचार, एक एक कृत्य आपका बड़ा मायने रखता है, बहुत शुद्धता रखनी पड़ती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और सब चल रहा है, नीचे गिरा आसमान वापस उठा करके कुछ कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या चलता है, और इस सब से बचें। धीरे धीरे आप चीज़ों को सीख रहे हैं, कर रहे हैं, हम भी जितनी बातें याद आती जाएंगे आपको बताते जाते हैं। जय रे।